मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कोविड 19 के कुल 46,406 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36 और लोगों की इस महामारी ने जान ले ली है। राहत की बात ये रही है कि इस दौरान नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मुंबई में नए मामलों में गिरावट। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 46,406 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को 46,723 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि महामारी से 36 और मरीजों की मौत भी हुई है। बुलेटिन में कहा गया है कि संक्रमण के नए मामलों में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने नहीं आए हैं। लगातार 4 दिन तक रफ्तार थमने के बाद मुंबई में बुधवार को कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, लेकिन गुरुवार को थोड़ी राहत दिखी है। बुधवार को जहां मुंबई में कुल 16,420 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, तो वहीं इसकी अपेक्षा गुरुवार को 13,702 मामले ही सामने आए हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं और 84,825 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 380 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना की रफ्तार दूसरी लहर से भी तेज हो गई है। सबसे अधिक चिंता करने वाली बात यह है कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11 लाख को पार कर गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।